गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी संकित प्रज्ञा भाविक वरुण वंशिका वंश करुणा कपिल संजीव विजेंदर वरुण वासु भाविक सबको गुड मॉर्निंग और जिनके नाम नहीं लिए उनको भी गुड मॉर्निंग चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज हमारा रिवीजन है चैप्टर नंबर एट का एंड आई होप सो कि आपने सैटरडे संडे में चैप्टर एट को सेल्फ रिवाइज भी किया होगा और इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे और उन क्वेश्चंस में कहीं पर कोई डाउट है तो वो डाउट भी आज लेंगे और इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को जैसे कि आपको पता है हम तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पार्ट नंबर वन में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आते हैं सेवन हंड्रेड सीरीज के जिसमें सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड फाइव सेवन हंड्रेड सिक्स एंड सेवन हंड्रेड टेन पांच स्टैंडर्ड हैं जो हमारे कवर होते हैं पार्ट नंबर टू में हम बात करते हैं ब्रांच ऑडिट की एंड ज्वाइंट ऑडिट की जिसमें हम एसेट सिक्स एंड एसेट टू को कवर करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर सेवन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हैं पांच स्टैंडर्ड 700 सीरीज के एक स्टैंडर्ड 600 सीरीज का और एक स्टैंडर्ड 200 सीरीज का इसके अलावा इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं कंपनी लॉ के अंदर जो ऑडिटर की ड्यूटीज हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर जिसमें सेक्शन वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन वन सेक्शन वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन टू सेक्शन 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन एंड सेक्शन 143 फोर्टी 12 सबसेक्शन ट्वेल्व प्राइमरीली हैं। सेक्शन आफ्टर फिर इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आता है एंड दैट इज कारो 2020। तो बताइए जी ग्रीन सिग्नल है करें स्टार्ट या पहले कोई डाउट लेना है किसी का जी ओके ग्रीन सिग्नल चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में सेवन हंड्रेड सीरीज के स्टैंडर्ड सबसे पहला स्टैंडर्ड जो इस चैप्टर का है दैट इज एस सेवन हंड्रेड जिसका नाम है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इस स्टैंडर्ड में दो टॉपिक प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है पहला टॉपिक है फॉर्मिंग एन ओपिनियन और दूसरा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ एन अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट तो पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मिंग एन ओपिनियन की ऑडिटर ही इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन रिगार्डिंग व्हाट वेदर फीनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन ऑल मेटीरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सो ये ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन ऑल मेटीरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल एफ आर एफ टू फॉर्म दिस ओपिनियन

auditor is required to consider whether sufficient appropriate audit evidences has been obtained whether any of the misstatement that is not been corrected by the management whether it is material either individually or aggregate if any misstatement that is uncorrected is material under that situation auditor will not be able to express an unmodified opinion he is required to modify the opinion because of existence of material misstatement third consideration is auditor is required to evaluate whether financial statements are prepared in all material respect in accordance with the requirements of applicable frf and

Auditor is required to evaluate whether, in view of the requirements of applicable FRF, number one, financial statements adequately disclose significant accounting policies selected and applied, whether the accounting policies selected and applied are consistent with the applicable FRF and appropriate. Whether accounting estimates are reasonable, whether the information presented in the financial statement is relevant, reliable, comparable, and understandable. Financial statements provide adequate disclosure so as to understand the effect of material transactions and events on the transactions conveyed in the financial statement. Evaluate टर्मिनोलॉजी यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग टाइटल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट और नोट सो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन क्या मिल सकता है क्वेश्चन मेंशन कर देगा कि ऑडिटर शेल फॉर्म एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल एफ सो एज टू फॉर्म दिस ओपिनियन ऑडिटर नीड्स टू ड्रॉ द कंक्लूजन वेदर ही हैज रीजनेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल आर फ्री फ्रॉम मेटीरियल स्टेटमेंट वेदर कॉज ड्यू टू फ्रॉड और एर टू ड्रॉ द कंक्लूजन वट आर दू बी कंसिडर्ड चार नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तो आपको उसके आंसर में क्या क्या लिखना है पहला पॉइंट वेदर सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेड वेदर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर मेटीरियल इधर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट एंड इवेल्युएशन इवेलुएशन का अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है इवेल्युएशन का कि वट आर द इवेलुएशन दर इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर फॉर ड्रॉइंग द कंक्लूजन तो पहला इवेल्युएशन है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नंबर दो वेदर इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एप्रोप्रियेटली डिस्क्लोस्ड वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट विद द एप्लीकेबल एफआरएफ तो पहले दोनों पॉइंट किस पर आ गए अकाउंटिंग पॉलिसीज पर कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की गई है अप्लाइड की गई है वेदर दे आर एडिक्वेटली डिस्कलोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसी फिर एक पॉइंट आ जाता है आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पर वेदर द अकाउंटिंग एस्टिमेट आर रीजनेबल फिर एक पॉइंट आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन पर

टर्मिनोलॉजी यूज इन दाइनेंशियल स्टेटमेंट इनक्लूडिंग द टाइटल स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट और दो क्वेश्चन आपके इसके ऊपर फ्रेम हो सकते हैं पहला क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या कंक्लूजन आपको कंक्लूजन ड्रॉ करते वक्त आपको क्या बातों को कंसिडर करना है कंक्लूजन ड्रॉ करते वक्त ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवेलुएट सर्टेन इंफॉर्मेशन और वो इवैल्यूएशन किन किन चीजों की है देयर आफ्टर दूसरा आपका एक टॉपिक बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन ऑल मेटीरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर टू आस्पेक्ट वन क्वालिटेटिव आस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड इंडिकेटर्स ऑफ़ पॉसिबल मैनेजमेंट बाइस दीन्स कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जिनके थ्रू ये नजर आता है दैट मैनेजमेंट इज नॉट न्यूट्रल वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर आर चांसेस ऑफ द मैनेजमेंट बाइसमस दो टॉपिक्स हैं हमारे इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रैलिटी एंड क्वालिटेटिव आस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस थ्री टू फोर मार्क्स के इनमें से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक नंबर ऑफ़ जजमेंट अबाउट द अमाउंट एंड द डिस्कलोजर्स दैट आर टू बी गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस ए टू सिक्स जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था दट इज कम्युनिकेशन विद्लू जी इट कंटेन्स डिस्कशन Regarding the qualitative aspects of accounting practices, auditor is required to communicate to the TCWG the qualitative aspects of the accounting practices. In considering the qualitative aspects, auditor may become aware of possible bias in the management judgments. Hence, auditor needs to conclude whether the cumulative effect of lack of neutrality. ट मैनेजमेंट इज नॉट न्यूट्रल वो प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट मिलकर दोनों चीजों का इफेक्ट मिलकर एक चीज देर आर समेटमेंट विच आर नॉट बीन करेक्टेड बाई द मैनेजमेंट स्टेटिंग दैट दे आर नॉट मटीरियल एंड नंबर दो ऑडिटर इज ऑफ द ओपीनियन दैट मैनेजमेंट बाइसनेस इज देयर इन मेकिंग अकाउंटिंग जजमेंट सो देयर इज ए लैक ऑफ न्यूट्रेलिटी दोनों चीजें इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड चांसेस ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रेलिटी मिलकर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ होल मिसस्टेटेड बना रहे हैं सो so, ऑडिटर को देखना है क्या दोनों चीजों का इफेक्ट मिलकर दोनों चीजों का इफेक्ट किस किस का नंबर एक लैक ऑफ न्यूट्रेलिटी एंड नंबर दो इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेट इन सब बातों को मैनेजमेंट बायसनेस को कौन डील करता है एस ए फाइव हंड्रेड फोर्टी डील करता है एड्रेस करता है मैनेजमेंट की पॉसिबल बायसनेस को इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। अब यदि आपको मैनेजमेंट की बायसनेस का इंडिकेशन मिलता है कुछ इंडिकेशन कि शायद मैनेजमेंट ने बायस्ड होकर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट या कोई अकाउंटिंग डिस्कलोजर दिया है बायसनेस के साथ आपको उसका एक इंडिकेशन मिलता है एक आइडिया लगता है क्या ये अपने आप में कोई मिस स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रहा है या इट सेल्फ इज मिस स्टेटमेंट यदि आपको इंडिकेशन आभास हो रहा है दैट देअर इज सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट बायसनेस तो क्या यह जरूरी है कि मिस स्टेटमेंट होगी बताइए इज इट नेट इंडिकेटर ऑफ एनी पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस विल कॉन्स्टिट्यूट अ मिस स्टेटमेंट इट नॉट नेसेसरी बिल्कुल सही इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी मिस स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन ऑन रीजनेबलनेस ऑफ एनी इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टिमेट एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्वालिटेटिव आस्पेक्ट का आपको यही पॉइंट याद रखने हैं और इसमें एस से टू सिक्सटी और फाइव फोर्टी दोनों का रेफरेंस जरूर दीजिएगा इंडिकेटर ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी दैट मींस मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है मैनेजमेंट की बाइसनेशन ड्यूरिंग ऑडिट मैंने मैनेजमेंट को टेन मिस स्टेटमेंट के बारे में कहा विदेस्ट फॉर द करेक्शन आउट ऑफ दिसन मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने सिक्स मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया चार को छोड़ दिया वो चार कौन सी थी मान लीजिए मैंने जो मिस स्टेटमेंट बताई वो डिस्काउंट से रिलेटेड थी कि सेल्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट दे दिए गए अकाउंटिंग के अंदर मैनेजमेंट ने छे डिस्काउंट को तो रिवर्स कर दिया चार को नहीं किया क्या इंडिकेट कर रहा है क्या ये इन चार ट्रांसेक्शन में मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो सकती है क्या इन चार ट्रांसेक्शन में रिलेटेड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इन चार ट्रांसेक्शन में हो सकता है मैनेजमेंट ने अपना कोई इंटरेस्ट रखा हो देर आर चांसेस नॉट कि जब मैं मैनेजमेंट को कुछ मिस स्टेटमेंट बताता हूं बट मैनेजमेंट उसमें से सिलेक्टिव करेक्शन करती है और कुछ को छोड़ देती है जैसे एग्जाम्पल करेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट सो एज टू इंक्रीज द रिपोर्टेड अर्निंग जिन मिस स्टेटमेंट की करेक्शन से अर्निंग इंक्रीज हो रही है उनको आप करेक्ट कर रहे हो बट द मिस स्टेटमेंट दैट मे हैव द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द रिपोर्टेड अर्निंग उनको आपने इग्नोर कर दिया पॉसिबल मैनेजमेंट बाइसनेस इन मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट तो ये दो मेन पॉइंट है लेक्टिव करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड पॉसिबल मैनेजमेंट इन मेकिंग बताइए चार क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से एक कंक्लूजन के ऊपर दूसरा इवेल्युएशन के ऊपर तीसरा क्वालिटेटिव आस्पेक्ट के ऊपर और फोर्थ इस इंडिकेटर के ऊपर चार टॉपिक पर क्वेश्चन बनते हैं तीन से चार नंबर के कोई डाउट किसी पॉइंट में और डाउट नहीं है तो डन का मैसेज दीजिए या ऑल क्लियर का मैसेज दीजिए नो डाउट का मैसेज दीजिए जी नो डाउट ऑल क्लियर चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अगेन एक बहुत आसान टॉपिक है एलिमेंट ऑफ अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट पहला एलिमेंट टाइटल ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा इन डिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट सो एज टू डिस्टिंग्विश द रिपोर्ट फ्रॉम द रिपोर्ट इशूड बाय द अदर पर्सन एड्रेस ऑडिटर रिपोर्ट शेल बी एड्रेस्ड एज अप्रोप्रिएट सो एज टू कौन से पर्सन होंगे जिनको रिपोर्ट एड्रेस की जाएगी द पर्सन फॉर बेनिफिट और यूज दिस रिपोर्ट इज बींग प्रिपेयर एंड इन केस ऑफ कंपनी इट इज द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ओपिनियन सेक्शन ओपिनियन सेक्शन में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एंटिटी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया है आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ इच फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको एग्जामिन किया है स्पेसिफाई दीरियड और डेट कवर्ड बाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट दट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैीट एज एट दिस डेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर दीरियड एंड एक्सप्लाटरी नोट ये तो बात हो गई आपने एंटिटी को आइडेंटिफाई किया टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया पीरियड या डेट जिससे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड है उसको आइडेंटिफाई किया एंड और स्टेटमेंट दी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड नाउ अब आप देते हैं एक ओपिनियन ओपिनियन डिपेंड करती है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं वो किस फ्रेमवर्क के ऊपर बनाई गई है क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पर बनाई गई हैं या कंप्लायंस फ्रेमवर्क के ऊपर बनाई गई है यदि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पर बनाई गई हैं तो ऑडिटर एक वर्ड का बहुत खास ध्यान रखता है फेयर वर्ड का फेयर वर्ड का तो दो में से एक लाइन यूज की जा सकती है रिपोर्टिंग के लिए इन आर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मेटीरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द जो भी एफ आर एफ है चाहे वो शेड्यूल थ्री है ए एस है गैप है इंड ए एस है उसका नाम लिख दीजिए बट यदि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लायस फ्रेमवर्क पर बनाते हैं तो आप फेयर वर्ड यूज नहीं करते और क्या लिखते हैं इन आर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफ आर तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में एक दूसरी वर्डिंग्स भी यूज हो सकती है द अनदर वर्डिंग इज इन आर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है किसका स्टेट ऑफ अफेयर रिजल्ट कैश इनफ्लोज का एंड डिस्कलोजर वर्ड आता है क्या कंप्लायंस फ्रेमवर्क में दो वर्डिंग हो सकती है नहीं क्यों क्योंकि ट्रू एंड फेयर की रिपोर्टिंग कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हम दे ही नहीं सकते दोनों फ्रेमवर्क के बीच का डिफरेंस क्या है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वो होता है जहां पर मैनेजमेंट इज परमिटेड टू टेक द डेविएशन मैनेजमेंट डेविएशन ले सकती है सो एज टू इंश्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर व्यू प्रेजेंट करे तो फेयर एंड बेटर प्रेजेंटेशन के लिए मैनेजमेंट इज परमिटेड टू टेक द डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफआरएफ फॉर एग्जांपल डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बट डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे लेकिन जब हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात करते हैं मैनेजमेंट इज नॉट परमिटेड टू टू टेक एनी डेविएशन एंड हेंस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड रिपोर्ट वेदर इन हिज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट फेयरली वर्ड को वो गायब कर देता है क्योंकि कंप्लायंस फ्रेमवर्क में मैनेजमेंट के पास ये परमिशन ही नहीं होती टू टेक द डेविएशन टू एंश्योर फेयर प्रेजेंटेशन ओपिनियन पैरा के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इंपॉर्टेंट है बेसिस फॉर ओपिनियन ये भी इंपॉर्टेंट है जहां पर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखता है वी हैव कंडक्टेड द ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर प्रिस्क्राइब इन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन ऑफ दिस रिपोर्ट Standards on auditing require us to ensure compliance with the ethical requirement, including independence, and we hereby state that we comply with all the ethical requirement as stated in the code of ethics. And last may auditor Liktaya, we believe that the audit evidences collected by us are sufficient and appropriate so as to provide a basis for the opinion. Auditors believing.

डिस्लोजर्स आर अप्रोप्रिएटली मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके डिस्कलोजर्स दिए गए हैं एक सेकेंड कुछ इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर है हो गया ठीक चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की ऑडिट मैटर्स ऑडिट मैटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन दस ऑफ लिस्टिड एंटिटी इन अकोर्डेंस विद्वायरमेंट ऑफ एस एवन हंड एंड एवरी ऑडिट रिपोर्ट में जरूरी नहीं है कि आपको गोइंग कंसर्न का एम यू आर जी पैरा मेटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग वो पैरा या की ऑडिट मैटर का पैरा आपको हर रिपोर्ट में मिले जो कंपनीज बहुत अच्छी चल रही हैं, जिसमें कोई अनसर्टेनिटी ही नहीं है एज टू द गोइंग कंसर्न, वहां पर आपको ये यह पैरा कदापि देखने को नहीं मिलेगा लिस्टेड एंटिटी में की ऑडिट मैटर पैरा ऑलवेज आपको मिलेगा और अनलिस्टेड कंपनीज में की ऑडिट मैटर पैरा भी नहीं मिलेगा नेक्स्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन जिसमें मैनेजमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ऑडिटर लिख देता है सो दैट मैनेजमेंट को पता रहे कि ऑडिट रिपोर्ट जरूर दी है ऑडिटर ने बट ऑडिट रिपोर्ट को देते वक्त ऑडिटर ने मैनेजमेंट को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई हैं जो जिम्मेदारियां जब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड हुई थी लेटर ऑफ एंगेजमेंट बना था उसके अंदर भी लिखी गई थी अब मैनेजमेंट से हम मानकर चल रहे हैं कि मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारियां थी और मैनेजमेंट ने इनको फुलफिल किया है सो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफ आर एफ मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट रिकॉर्ड फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ असैट एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड मेकिंग रीजनेबल एंड प्रूडेंट जजमेंट एंड एस्टिमेट डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड of ऑफ इंटरनल कंट्रोल of accounting, एंड टू ओवर सी financial रिपोर्टिंग प्रोसेस सो जब हम ऑडिट रिपोर्ट में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन बनाते हैं तो उसमें बता देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की जिम्मेदारी

तो ऑडिट रिपोर्ट में से एक तो ओपिनियन सेक्शन एक बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन और तीसरा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन इनके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट नेक्स्ट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दिस सेक्शन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट हिज ऑब्जेक्टिव that auditors ob overall objective while carrying out the audit of financial statement is to obtain reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement whether caused due to fraud or error and to issue the audit report that includes an audit opinion and what is the reasonable assurance auditor is required to provide an explanation over it and also at the same time auditor is required to state the application of concept of the materiality that we carry out the audit based on the concept of materiality we are required to obtain a reasonable assurance as a result of which some material misstatements may not be detected a statement that we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit auditor responsibilities we are also responsible for identifying and assessing the risk of material misstatement we are responsible for designing and performing audit procedures that are responsive to these assessed risk we are responsible for obtaining sufficient and appropriate audit evidences

गोइंग कंसर्न नहीं अकाउंटिंग पॉलिसीज का पॉइंट है अकाउंटिंग पॉलिसीज की सिलेक्शन एप्लीकेशन की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू इवैल्यूएट whether the accounting policies selected by the management are appropriate अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को लेने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट whether the accounting estimates made by the management are reasonable और ये पॉइंट आ गया गोइंग कंसर्न का गोइंग कंसर्न की अप्रोप्रिएटनेस को असेस करने की असेस करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है बट ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए कंक्लूजन वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू इवेलुएट ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन शेल ऑल्सो स्टेट दैट आर सिबल टू कम्युनिकेट सर्टेन मैटर्स टू टीसी डब्ल्यू जी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बताओ जी कौन सा स्टैंड बीच बीच में आपसे दो चार क्वेश्चन पूछ लू इजाजत है बताओ कौन सा स्टैंडर्ड याद आ रहा है लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विदीसी डब्ल्यू जी सर्टेन मैटर एज कवर्ड इन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नंबर जी बिल्कुल सही जवाब है कपिल आपका 260 हंड्रेड सिक्सटी दट इज कम्युनिकेशन विद टीसी डब्ल्यू जी प्रोवाइडिंग टू टीसी डब्ल्यू जी ऑन एथिकल रिक्वायरमेंट ये भी ऐसे टू सिक्सटी में लिखी हुई बात थी टू डिटरमिन की ऑडिट मैटर आउट ऑफ द मैटर कम्युनिकेटेड टू टीसी डब्ल्यू जी क्या ये चीज ईच एंड एवरी एंटिटी पर अप्लाई होगी गंभीर बताओ बेटा क्या डिटरमाइनिंग द की ऑडिट मैटर दैट इज आउट ऑफ द मैटर कम्युनिकेटेड टू टीसी डब्ल्यू जी क्या यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच एंड एवरी एंटिटी के केस में अप्लाई होगी जिसका जवाब आएगा नो 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 सर ये सिर्फ कहाँ अप्लाई होगी बताओ प्रज्ञा भाविक वरुण वंश करुणा दिव्या बताओ बेटा राइट right अंकित यह सिर्फ तब आएगा जब एस ए सेवन हंड्रेड वन अप्लाई होगा और एस ए सेवन हंड्रेड वन कब अप्लाई होगा इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी अभी पढ़ा ना की ऑडिट मैटर की रिपोर्टिंग लिस्टेड एंटिटी के केस में आती है सिर्फ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एस ए सेवन हंड्रेड वन तो स्टैंडर्ड को आपस में रिलेट करके चलिए स्टैंडर्ड्स को आइसोलेट मत करिए कि एक स्टैंडर्ड पढ़ा बस वहीं पर उसको खत्म कर दिया स्टैंडर्ड्स रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट कवर हुआ अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसके लिए अलग से हेडिंग बनाइए रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और इसमें कारो की रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सब 3 ऑफ़ कंपनीज एक्ट 2013 इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रूल 11 के मैटर ये सब इस चैप्टर में हैं। दिखा दू आपको एक बार ये तो सारी कारों की रिपोर्टिंग है पैरा थ्री क्लॉज वन से लेकर पैरा थ्री क्लॉज ट्वेंटी वन तक इक्कीस पैरा देर आफ्टर एक रिपोर्टिंग आती है अंडर सेक्शन वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री ये सब मैटर ऑडिटर को रिपोर्ट करने हैं। एक रिपोर्टिंग आती है अंडर रूल नंबर इलेवन ऑफ कंपनीज ऑडिट रूल दो हजार चौदह ये सारे के सारे मैटर उसके आ गए सो so, ये जो एडिशनल रिपोर्टिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा इसके लिए आप रिपोर्ट में एक अलग सेक्शन बनाते हैं जिसको क्या नाम देते हो रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का और इस सेक्शन के अंदर आप जितनी भी रिपोर्टिंग है अदर देन द रिपोर्टिंग ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू एंड फेयर व्यू की रिपोर्टिंग है वो अलग हो गई और बाकी किसी भी मैटर पर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो वो सब कहा आएगा अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंडर द हेडिंग रिपोर्ट Reporting on legal and other regulatory requirements. Signature Personal name, name of firm, along with the membership number and firm registration number. Place The city where audit report is signed. Date It should not be earlier than the date on which. ऑडिट एविडेंसिस आर कलेक्टेड यूडीआईएन यूडीआईएन एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है विच यू नीड टू स्पेसिफाई अलॉन्ग विद द मेंबरशिप नंबर तो ये थे एलिमेंट्स एक अन मोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के जिसमें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ओपिनियन सेक्शन पर बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन पर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन पर इन तीन पर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा कंपेयर टू अदर हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक पर किसी भी सेक्शन पर किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है सो दिस इज ऑल अबाउट एस ए सेवन हंड्रेड एंड आई बिलीव कि ये स्टैंडर्ड अब अच्छी तरह से रिवाइज हो गया होगा तो अब जल्दी से मैसेज भेज दो कि ऑल डन ऑल क्लियर कोई डाउट है तो डाउट भेज दो जी जवाब आ गया डन ऑल क्लियर चलो तो आगे बढ़े फिर अब अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टैंडर्ड है सेवन हंड्रेड की सीरीज में सेवन हंड्रेड वन दट इज कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इन डिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की ऑडिट मैटर दोज मैटर दैट इन दजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड और ये मैटर कहा से आउट ऑफ द मैटर कम्युनिकेटेड विद द टी सी डब्ल्यू जी तो देखो अगेन एस ए टू सिक्सटी का रेफरेंस आया मैं बीच बीच में आपको रेफरेंस बताता रहू कोई कंफ्यूजन तो नहीं आएगी ना और यदि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी आ रही है इट्स ओके okay चलेगा क्यों क्योंकि यही कंफ्यूजन आपको मास्टर बनाएगी इन स्टैंडर्ड्स को आपस में इंटरलिंक्ड करने में तो मुझे लगता है कि मैं बीच बीच में जहां पर जिस स्टैंडर्ड का रेफरेंस आ रहा हो वो आपको बताता चलता सो की ऑडिट मैटर्स आर दोस मैटर दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड एंड टू टी सी डब्ल्यू फ्रॉम इज द स्कोप ऑफ एस ए सेवन हंड्रेड वन एस ए सेवन हंड्रेड वन डील करता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन ऑडिटर रिपोर्ट लेकिन सब्स्टीट्यूट नहीं है बहुत सारी चीजों का नंबर वन इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द डिस्कलोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदरवाइज नेसेसरी तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्कलोजर है वो अपनी जगह है की ऑडिट मैटर अपनी जगह है कि आपने कोई मैटर की ऑडिट मैटर में लिख दिया ऑडिट रिपोर्ट में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्कलोजर नहीं दिया वो गलत है ओपिनियन मोडिफाई करनी चाहिए थी और ऑडिटर कहता है कि ओपिनियन मोडिफाई नहीं करता की ऑडिट मैटर में लिख देता हूं गलत जहां पर मोडिफिकेशन आनी है तो मोडिफाइड ओपिनियन दीजिए की ऑडिट मैटर में उसको मत कवर करिए नो no डाउट वो मैटर की ऑडिट मैटर है ध्यान रखना है इस बात का जो चीज ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रही है ओपिनियन मॉडिफाई कर रही है नो डाउट इट इज सिग्निफिकेंट मैटर लेकिन क्योंकि जब ऑडिट रिपोर्ट में उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन दी गई है कि यदि कोई मॉडिफिकेशन है तो आप उसको ओपिनियन पैरा में लिखें मॉडिफाइड ओपिनियन की हेडिंग बनाकर आप उसका डिस्क्रिप्शन बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा में दें बेसिस ऑफ मोडिफाइड ओपिनियन की हेडिंग बनाकर तो जब एक स्पेसिफिक जगह दी गई है मॉडिफिकेशन को तो उसके लिए की ऑडिट मैटर को यूज मत करिए इट इज नॉट अब्सिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विध एस एंड्रेड से मटीरियल अनिटी एग्जिस्ट रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशन दैट मे का एंटीटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न तो इसके लिए ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है अलग से एक पैरा कौन सा पैरा अभी कराया था अनमोडिफाइड रिपोर्ट में कौन सा पेरा आता है अलग से नाम याद रखिएगा एमयूआर जी मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न ये की ऑडिट मैटर से पहले आता है या बाद में आता है ये की ऑडिट मैटर से पहले आता है या बाद में अर्लियर और लेटर ये भी याद रखनी है पोजिशनिंग पोजिशनिंग नहीं भूलना अर्लियर पहले एम यू आर जी आएगा और फिर की ऑडिट मैटर आएगा ये सीक्वेंसी बनी हुई है पहले एम यू आर जी और फिर की ऑडिट मैटर आता है राइट right प्रज्ञा बिल्कुल सही बेटा इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेपरेट ओपिनियन ऑन द इंडिविजुअल मैटर्स तो ये कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन है जो आपने टीसीडब्ल्यूजी को बताई थी और आपको करंट ऑडिट के रेफरेंस में ये मोस्ट सिग्निफिकेंस लगा तो शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करने के लिए आपने इसको ऑडिट रिपोर्ट में अलग से डाल दिया ये कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है ये सब्सटीच्यूट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्कलोजर का ये सब्सटीच्यूट नहीं है मोडिफाइड ओपिनियन का ये सबस्टिट्यूट नहीं है एम यू आर जी पैरा का और एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या यदि आप अपनी ओपिनियन डिस्कलेमर की फॉर्म में दे रहे हैं इफ ऑडिटर इज मत सेवन हंड्रेड फाइव जो मोडिफाइड ओपिनियन का स्टैंडर्ड है वो प्रोहिबिट करता है ऑडिटर को फ्रॉम कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर व्हेन ऑडिटर द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस इट इज रिक्वा डेट में तो ऐसा कोई भी लॉ या रेगुलेशन नहीं है जो इस चीज को डील कर रहा हो तो यह बात लिखी गई है, बस, आज की में नहीं है क्यों किसी लॉ एंड रेगुलेशन में इसके रेफरेंस में कोई बात नहीं लिखी गई परपस क्या है दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है की ऑडिट मैटर का परपज थियोरेटिकल क्वेश्चन है एमसीक्यू नहीं बनेगा डिस्क्रिप्टिव ही बनेगा तीन से चार नंबर का audit matter, audit की ऑडिट मैटर ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू को एनहांस करते हैं बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की ऑडिट मैटर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर को सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दोज मैटर दैट इन द ऑडिट दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट आर ऑफ

बोलो यस या नो में जवाब क्या नेक्स्ट ईयर हम इन मैटर को इग्नोर करेंगे या इन मैटर के ऊपर वी विल डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी जो लास्ट ईयर सिग्निफिकेंस थे तो करंट ईयर में क्या सिग्निफिकेंस नहीं रहेंगे तो ये हमें एक बेस प्रोवाइड करता है टू फर्दर एंगेज विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी अबाउट दीज मैटर्स सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ key audit matter number 1 they enhance the communicative value of audit report by bringing greater transparency assist the intended user in understanding the entity and the areas of significant management judgment helps the assist the intended users of the financial statement to understand those matters that in the auditor's judgment were of most significance to the audit of financial statements of current period

क्या सारी की सारी बातें जो टीसीडब्ल्यू जी को बताई क्या वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखूंगा नहीं ओनली दो ओपिनियन आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस टू द ऑडिट ऑफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट पीरियड तो कैसे मैं उन बहुत सारे मैटर्स में से कुछ मैटर्स को सेलेक्ट करूंगा विच आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस तो इसके लिए आई नीड टू कंसिडर नंबर वन वो एरिया जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई साइड पर असेस किया गया था सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग एस्टिमेट है ट्रांसैक्शन अकर ड्यूरिंग सो फ्रॉम द मैटर कम्युनिकेटेड सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट एंड इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांसेक्शन अकर ड्यूरिंग दर एंड ध्यान रखिएगा

एक सेपरेट सेक्शन आएगा जिसका क्या टाइटल होगा की ऑडिट मैटर और उसके अंदर जो भी मैटर आप रिपोर्ट कर रहे हैं सबका एक सब टाइटल दिया जाएगा डिटेल डिस्क्रिप्शन दी जाएगी बट क्या डिस्क्रिप्शन देने से पहले एक इंट्रोडक्टरी पैरा देना है एज टू द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द की ऑडिट मैटर कोर्स यस आपको ध्यान होगा ये सब चीजें मैंने आपको रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज की और टाटा मोटर्स लिमिटेड की दो ऑडिट रिपोर्ट आपको दिखाई थी रेगुलर बैच में जिसके अंदर हमने एक एक सेक्शन के पैरास को डिस्कस भी किया था सो की ऑडिट मैटर उसके अंदर सब हेडिंग फॉर ईच की ऑडिट मैटर बट बिफोर दैट इंट्रोडक्टरी पैरा इज टू बी गिवन यूज इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन दिस सेक्शन एज ऑडिट मैटर आर दोस्ट इन कंटेक्सिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अल एंड ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड ओपिनियन ऑन दिस मैटर पहले आपने हेडिंग दी की ऑडिट मैटर फिर आपने इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज दी देन फिर आप इच की ऑडिट मैटर को डिस्क्राइब करेंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में रीजन देंगे व्हाई दिस मैटर इज बीन कंसीडर्ड एज की ऑडिट मैटर और साथ में बताएंगे क्या हाउ दिस मैटर इज बीन एड्रेस्ड इन कैरिंग आउट द ऑडिट कैसे इस मैटर को एड्रेस किया गया था करंट पीरियड की ऑडिट नाउ एक और सिंपल सी चीज आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एमयूआर जी डालो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर पैरा डालो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ईओ एम पैरा डालो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट की ओपिनियन को मॉडिफाई करो बट कोई भी काम करने से पहले क्या ये मैटर आपको टी सी डब्ल्यू जी के साथ एक बार डिस्कस करना चाहिए हाँ या ना बस ये बता Whether the matter is to be discussed with the TCWG first? Yes. Communication with TCWG. Auditor shall communicate with TCWG those matters that are determined to be the key audit matter. And if applicable, depending on the facts and circumstances of the entity and audit, auditor's determination that कोई की ऑडिट मैटर ही नहीं है कि जिसको मैं ऑडिट रिपोर्ट में डालू यह भी टीसी जी को बता दो कि कोई की नहीं है, की सब कुछ भला चंगा है सब कुछ बहुत बढ़िया है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां रिस्क ज्यादा नजर आ रहा था कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मुझे अलग से स्पेसिफिकली रिपोर्ट करने की आवश्यकता महसूस हो रही हो सो so, ये था हमारा एस ए सेवन हंड्रेड वन कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन इन डिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट बताइए जी डाउट या ऑल क्लियर दो ही चीजें पूछूंगा हर स्टैंडर्ड की रिवीजन के बाद डाउट है तो डाउट बताओ क्लियर है तो ऑल क्लियर लिखो डन लिखो आगे बढ़ो लिखो ग्रीन सिग्नल दो, ऑल क्लियर। रिवीजन हेल्पफुल है ये भी बता दो मैं रिवीजन पर आज का सेशन भी लगाऊंगा हो सकता है कल का सेशन भी लग जाए और लास्ट में कह दो सर हम तो कर लिया था अपने आप कोई जरूरत ही नहीं थी इज रिवीजन हेल्पफुल बहुत ज्यादा फिर तो बस यदि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है तो ठीक है इसकी भी रिवीजन करेंगे और बाकी आई थिंक शायद ये पांचवा चैप्टर है जिसकी रिवीजन हम कर रहे हैं टोटल ग्यारह चैप्टर हैं छह बचेंगे कोशिश करूंगा उनमें से भी जितनी मैक्सिमम रिवीजन और करवा हूं ग्यारह में से पांच तो हो गए छे बचे हैं नेक्स्ट एस ए सात सौ पांच इसका क्या नाम है इसका नाम है मोडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इन ऑडिटर्स रिपोर्ट पहले बात करते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन कितनी तरह की होती है सर जी तीन तरह की होती है एक क्वालिफाइड एक एडवर्स और एक डिस्कलेमर क्वालिफाइड इशू होती है दो सिचुएशन में जब मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिनका मटेरियल इफेक्ट है लेकिन दीज़ आर नॉट परवेसिव या फिर ऑडिटर इज अनेबल टू कलेक्ट द सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर द ट्रांसेक्शन दैट आर हैविंग है इफेक्ट बट नॉट परवेसिव इफेक्ट मेटीरियल इफेक्ट है परवेसिव नहीं है एडवर्स ओपिनियन ये इशू की जाएंगी व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिस स्टेटेड और उन मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट मेटीरियल भी है एज वेल एज परवेसिव भी है क्वालिफिकेशन में हम जब मिस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मिस स्टेटमेंट मेटीरियल है लेकिन नहीं है और इसी में जब हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट है परवेसिव भी है तो क्वालिफिकेशन की जगह हम चले जाते हैं एडवर्स ओपिनियन फिर क्वालिफिकेशन एक और सर्कमस्टांसिस में होती है जब ऑडिटर सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाता फॉर द दैट आर हैविंग बट नॉट इफेक्ट तो क्वालिफिकेशन आ गई बट यदि ऑडिटर सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाता फॉर द ट्रांसिक्शन जो मेटीरियल भी है एंडसिव इफेक्ट भी है तो फिर ऑडिटर क्या इश्यू कर देता है डिस्क्लेमर इशू कर देता है मेटीरियलिटी कौन से स्टैंडर्ड में डील की गई है एस ए तीन सौ बीस में मिस स्टेटमेंट कहां डील की गई है एस ए चार सौ पचास में कि एक ट्रांसक्शन मेटीरियल है या नहीं दट इज वॉट इफ एनी इंफॉर्मेशन That may affect the economic decisions of the users of the financial statements, it is considered material. Misstatement difference. Kis chichka amount classification presentation disclosure of a financial statement item that is reported in the financial statement with the amount classification presentation disclosure of that financial statement as required by FRF. तो तीन सौ बीस में पड़ी मिस स्टेटमेंट चार सौ पचास में पड़ा ओपिनियन सात सौ में पड़ी उसकी मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन सात सौ पांच में और ये मॉडिफिकेशन किस पर बेस्ड है मिस स्टेटमेंट है या एविडेंस नहीं है मिस स्टेटमेंट मेटीरियल है बट परवेसिव नहीं है क्वालिफाइड टमेंट मेटीरियल भी है भी है एडवर्स ओपिनियन एविडेंस नहीं मिले उन मैटर्स के जो मेटीरियल है क्वालिफाइड एविडेंस नहीं, नहीं मिले उन ट्रांसेक्शन के जो मेटीरियल भी हैं एंड परवेसिव भी हैं डिस्कलेमर परवेसिव क्या होता है परवेसिव इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज इन ऑडिटर्स जजमेंट आर नॉट कन्फाइंड टू एनी स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक अकाउंट एलिमेंट आइटम से रिलेटेड नहीं होते इन जनरल रादर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज अ होल अफेक्ट कर रहे होते जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी या मेजरमेंट ऑफ पीपीई की पॉलिसी मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री की पॉलिसी हाउ एवर यदि वो कंफाइंड है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से अकाउंट से आइटम से तो वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबस्टियल पोर्शन है बहुत बड़ा पोर्शन है और डिस्कलोजर्स दे आर फंडामेंटल टू यूजर्स यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेशियल स्टेटमेंट सो पर यदि अमाउंट के रेफरेंस में रहकर बात करूं दे आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम बट इफ दे आर कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट आइटम देन दे कॉन्स्टिट्यूट अ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इन रिलेशन टू डिस्कलोजर दे आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके या तो मुझे एविडेंस नहीं दिए या मैं इनके बारे में या मैं या, या ये मिसस्टेटेड है फिर इसका एक दूसरा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन आफ्टर ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगाई है आपके स्कोप पर रिक्वेस्ट करिए मैनेजमेंट से मैनेजमेंट हटा लो ना ये लिमिटेशन हटा लो मैं काम नहीं कर पा रहा मैनेजमेंट इन लिमिटेशन को हटाने से मना कर दे तो मैनेजमेंट के पापा के पास चले जाओ टीसीडब्ल्यूजी के पास चले जाओ बट साथ में अल्टरनेट और देखो क्योंकि हो सकता है टीसीडब्ल्यूजी भी मैनेजमेंट की तरह से अडियल रवैया अपना कर रखता हो डिटरमिन whether it is possible to perform alternate procedures so as to obtain sufficient appropriate audit evidence लेकिन यदि आपको लगता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे ओपिनियन इधर क्वालिफाइड या disclaimer क्वालिफाइड कब आएगा मेटीरियल है लेकिन नहीं है disclaimer है as well as है कब आएगा यदि भी विद्रॉल वेयर प्रैक्टिकल और यदि विद्रॉ करना प्रैक्टिकल नहीं है इशू डिस्कलेमर दैट आई एम नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस दॉ में पा रहा हूं इफ ऑडिटर विद्रॉ फोर विड्रॉइंग अगेन पापा के पास जाओ टी सी डब्ल्यू जी के उनको बताओ रिगार्डिंग द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड दैट दैट वुड हैव गिविंग राइट टू द मोडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन सो इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग द इंगेजमेंट मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगाई है ऑडिटर के स्कोप पर मैनेजमेंट से ही रिक्वेस्ट करो हाथ जोड़कर कि मैनेजमेंट लिमिटेशन हटा लो मैनेजमेंट लिमिटेशन हटाने से मना कर दे मैनेजमेंट के अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑपटेन सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बट यदिट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑप्टेन कर पा रहे हो मॉडिफाई कर दीजिए ओपिनियन को एंड इफ विड्रॉल इज पॉसिबल प्रैक्टिकल यू मे कंसिडर विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट विड्रॉल पॉसिबल नहीं है डिस्कलेमर दे दो विड्रॉल पॉसिबल है विदड्रॉल का रीजन टीसीडब्ल्यू को बताओ और बताइए कि ये मैटर है जो मेरे सामने है दैट आर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन नो अब इसके बाद जब ऑडिटर मोडिफाइड ओपिनियन देता है तो हमारी ओपिनियन तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट में कहां कहां पर चेंज आते हैं याद है क्लास में में बड़ा डिटेल में करवाया था आपको ये पूरी नोटिंग के साथ याद है तीन जगह आते हैं बिल्कुल सही पहला चेंज ओपिनियन सेक्शन में दूसरा चेंज बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में और तीसरा चेंज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर बाकी टाइटल एड्रेस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट डेट प्लेस सिग्नेचर यूडीआईएन उनमें कोई चेंज नहीं आता पहला चेंज आता है ओपिनियन सेक्शन में जहां पर हेडिंग चेंज हो जाती है ये वर्ड लगा दिए जाते हैं ओपिनियन के साथ एज द केस में भी यूज द क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ओपिनियन की वर्डिंग्स क्या होगी क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट्स ऑफ मैटर प्रिस्क्राइब इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ये सबसे मेन है एक्सेप्ट so except for the effects of matter prescribed in basis for qualified opinion section financial statements have been prepared freely in all material respect in accordance with the applicable fr adverse opinion in auditor opinion because of significance of the matter stated in basis of adverse opinion section

फाइनेंशियल रिजल्ट फाइनेंशियल पोजिशन कैश फ्लो दैट ऑन तीनों चीजों को लिख दिया डिस्कलेमर बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑबेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सो एज टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरा चेंज आता है बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन यहां पर हेडिंग चेंज होती है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन बेसिस फॉर डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन और द रीजन ड्यू टू विच द ओपिनियन इज बींग मोडिफाइड इट शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटेल्ड इट्स डिटेल्ड डेस्क्रिप्शन इज टू बी इंक्लूडेड इंक्लूड डेस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन यदि मॉडिफिकेशन हो रही है एक अमाउंट मेटीरियली मिसस्टेटिड है अमाउंट इज मेटीरियली मिस स्टेटेड लाइक रॉयल्टी पांच करोड़ की थी आठ करोड़ लिखी हुई है डिटेल दीजिए क्वांटिफाई करिए यदि पॉसिबल है जैसे मैंने एग्जांपल लिया पांच करोड़ आठ करोड़ क्वांटिफाई हो रहा है तीन करोड़ बट यदि क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है स्टेट द है मान लीजिए डब्ल्यू आईपी है चार करोड़ की लिखी हुई है और आप नहीं समझ पा रहे कितने परसेंटेज कंप्लीशन है बट ऑफकोर्स चार करोड़ की तो नहीं है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है डब्ल्यू आई पी की वैल्यू में स्टेट द दफे

गलती है किसमें किसी डिस्कलोजर में डिस्कलोजर गलत दिया गया रिलेटेड पार्टी ट्रांसक्शन का ओके okay. एक्सप्लेनेशन दे दीजिए हाउ द डिस्कलोजर इज मिसेटेड डिस्कलोजर दिया ही नहीं गया तो आप दे दो डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ओमिटेड इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड द ओमिटेड डिस्क्लोजर प्रोवाइडेड इट इज प्रैक्टिकल किस चीज का डिस्कलोजर नहीं दिया गया उसकी नेचर को डिस्क्राइब करिए एंड इफ इट इज प्रैक्टिकल इंक्लूड द ओमिटेड दिस्कलोजर इनएबिलिटी टू ऑप्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस स्टेट द रीजन फॉर इन व्हाई यू वर नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसिस अमेंड द स्टेटमेंट बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में लास्ट लाइन होती है एक ध्यान हो तो अभी मैंने आपको ऐसा सात सौ में भी कराई ऑडिटर बिलीविंग वाली लाइन ऑडिटर बिलीविंग दैट दे हैड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर यहां पर क्या आ जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन एज द केस में केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन मेंट द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर्स बिलीविंग दट ऑडिट एविडेंसिस आर सफिशियंट टू एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन एंड यदि आप डिस्कलेमर इशू करते हैं इनकेस डिस्लेम इज बिंग इशूड ऑडिटर रिपोर्ट शेल नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू द सेक्शन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट दैट डिस्क्राइबिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द स्टेटमेंट कि मुझे एविडेंस मिल गए रादर <coughs> आपको तो एविडेंस नहीं मिले यू आर नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द एविडेंस जिसके रीजन आपने ऑलरेडी बताए हैं और आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यदि ध्यान आ रहा हो आपको तो अभी बताया भी था आप ओपिनियन सेक्शन सॉरी बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में रेफरेंस देते हैं ऑडिटर रिपोर्ट के उस सेक्शन का जहां ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी जाती हैं तो क्वालिफाइड ओपिनियन में एडवर्स ओपिनियन में ये रेफरेंस दीजिए लेकिन डिसकलेमर में ये रेफरेंस मत दो क्यों ना दें क्योंकि डिस्कलेमर में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन चेंज हो जाता है और उसमें क्या आता है When ऑडिटर disclaim द ओपिनियन ही shall अमेंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर responsibilities टू इंक्लूड ओनली ओनली वैसे तो देखो responsibility सेक्शन कितना बड़ा है ये सारा responsibility सेक्शन है बहुत सारी बातें लिखी गई हैं ऑडिटर responsibility की लेकिन यदि डिस्कलेमर आता है तो आप अपनी रिपोर्ट में यह बातें लिखेंगे ओनली तीन नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेटमेंट दैट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंडक्ट द ऑडिट इज टू कंडक्ट द ऑडिट ऑडिट कर नहीं पाए इन अकॉर्डेंस विद एस एंड टू इशू ऑडिटर रिपोर्ट स्टेटमेंट दैट because of significance of the matter described in basis for disclaimer of opinion section auditor was not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for the audit opinion or a statement about the auditor's independence and other other ethical requirements so ये था हमारा एस ए सेवन हंड्रेड फाइव तो बताइए कोई डाउट एनी पॉइंट विच रिक्वायर्स फर्दर रिवीजन और ऑल क्लियर ऑल क्लियर ब्रेक दे दीजिए हम्म hmm. रुकी है ब्रेक के लिए एक स्टैंडर्ड और कर ले फिर लेंगे ब्रेक एस ए सेवन हंड्रेड सिक्स छोटा सा स्टैंडर्ड है इसको करके फिर ब्रेक ले लेते हैं जिसमें दो पैरास पर रिपोर्टिंग की गई है एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और दूसरा अदर मैटर पैराग्राफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा क्या होता है अब पैरा Included in the auditor report that refers to a matter appropriately reflected or disclosed in the financial statement, that in auditor's judgment is of such significance that it is fundamental to users' understanding of financial statement. बट जब मैं अदर मैटर पैरा की बात करता हूं पैरा इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिपोर्ट दैट रेफर्स टू अ मैटर अदर देन अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्कलोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट इज रेलिवेंट फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिटर्स रिपोर्ट सो ईओ एम और के के बीच का difference already आपको पता है, है, इसके भी हमने discuss कर रखे हैं में. में. किसी की बात करता जो था लेकिन अदर मैटर पैरा उस मैटर की बात करता है जो अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कलोजर ईओ एम पेरा बात करता है उन मैटर्स की जो इंपॉर्टेंट है यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर पैरा उन मैटर की बात करता है जो इंपॉर्टेंट हैिटीज एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट की e की रिक्वायरमेंट ऑडिटर शेल इंक्लूड ई एम पेरा प्रोवाइडेड

तो यदि आप किसी मैटर पर मोडिफिकेशन डाल रहे हैं तो उसका ईओएम भूल जाइए ओपिनियन मॉडिफाई करिए यदि आप किसी मैटर पर की ऑडिट मैटर दे रहे हैं तो उसका ईओएम भूल जाइए एक चीज पर एक मैटर पर एक ही सेक्शन हो सकता है वेन ऑडिटर इंक्लूड ईओ एम पैरा इन द ऑडिटर रिपोर्ट

रेलिवेंट डिस्कोजर दैट फुल्ली डिस्क्राइव दिस मैटर कुड बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पैरा शेल रेफर ओनली टू द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज एंड अगेन दैट प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट तो अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है पैरा शेल इंडिकेट दैट ऑडिटर ओपिनियन इज Not modified in respect of the matter emphasized. क्योंकि ये जब आप एक तरफ कह रहे हैं appropriate disclosure है, तो जिस चीज का appropriate disclosure, financial statements में दिया हुआ है उसके ऊपर ऑफकोर्स मॉडिफाइड ओपिनियन तो हो ही नहीं सकती है ना यह इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन से सरकम स्टांसिस हैं जब ई ओ एम पेरा को इशू किया जा सकता है अनसर्टेन सिचुएशन एज टू द फ्यूचर आउटकम ऑफ एन एक्सेप्शनल लिटिगेशन एक एक्सेप्शनल लिटिगेशन है फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कलोजर दे दिया कि किसी सप्लायर ने या किसी वेंडर ने कोर्ट में केस फाइल किया है फॉर इन रिलेशन टू सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ द मेटीरियल जिसके अगेंस्ट पचास करोड़ रुपए का कंपनसेशन मांगा गया है अमाउंट ऑफ compensation इज वेरी मच यूज और यदि हमें ये पे करना पड़ गया तो फाइनेंशियल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है बट क्योंकि ये मैटर अभी इनिशियल स्टेजेस में है तो अभी हम कोई भी प्रोविजन इसके ऊपर एज सच नहीं बना रहे डिस्कलोजर बिल्कुल अपने आप में कंप्लीट एंड एक्यूरेट है तो ऑडिटर इसको ईओएम पैरा में हाईलाइट कर रहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर कोई सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट हुआ इवेंट हुआ 31 मार्च के बाद फायर हो गई और सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड हो गई वर नॉट इन शॉर्ट और कंपनी को 70 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया बट ये नुकसान अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा क्यों? क्योंकि ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट था जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए ओनली रिक्वायर डिस्कलोजर इट इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट गोइंग कंसर्न को अफेक्ट नहीं कर रहा था तो सिर्फ डिस्कलोजर चाहिए था तो ऑडिटर भी इसको अपनी रिपोर्ट में EOM में डाल सकता है मैं आपका ध्यान नोट नंबर ऑफ़ टू अकाउंट पर लाना चाहता हूं जिसके अंदर स्टॉक दैट वॉज अनशोर्ड अभी पॉलिसी एक्सपायर हुई थी और बाई मिस्टेक इसको रिन्यू नहीं कराया गया अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेयर एवर

ना मोडिफाइड ओपिनियन इसका सब्सटीट्यूट है ना ओ एम पैरा इसका सबस्टिट्यूट है ना पैरा इसका substitute है हर एक para, हर एक एक पैरा सेक्शन वो एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ बनाया गया है और उसी पर्पस में यदि आपने उस सेक्शन को लिखा है तो वो मैटर दूसरे कहीं पर हाईलाइट एज सच नहीं होगा अदर मैटर पैरा की क्या क्या रिक्वायरमेंट है अदर मैटर पैरा should be included in the audit report in a separate section titled as other matter. Auditor shall include other matter paragraph in the auditor report provided, not prohibited by law and regulation. When SA-701 apply, the matter is not considered to be a key audit matter to be communicated in auditor report.

दिस इज ऑल अबाउट about sa सेवन हंड्रेड सिक्स तो सेवन हो गया 701 हो गया 5 हो गया 6 हो गया अब लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद 710, 600 टेन सिक्स एंड टू इन तीनों स्टैंडर्ड्स को कवर करके स्टैंडर्ड्स वाले पार्ट को आज कंप्लीट कर वेलकम बैक चलिए ब्रेक से पहले हमने 700, 701, 705, 706 सेवन रिवाइज कर लिए थे नौ कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टैंडर्ड ऑफ 700 सीरीज ऑफ आर सिलेबस 710 किस पर बेस्ड है कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन दैट इज कैटेगराइज इन टू इधर कॉरस्पोडिंग फिगर्स और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है वो अमाउंट और डिस्कलोजर दैट आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल Financial reporting framework. Amount and disclosures included in the financial statements in respect of one or more prior period. Now, यदि ये अमाउंट एंड डिस्कलोजर्स प्रायर पीरियड के इंक्लूड किए गए हैं करंट पीरियड में एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आर इंटेंडेड टू बी रीड ओनली इन रिलेशन टू अमाउंट एंड डिस्कलोजर्स ऑफ करंट पीरियड मीन्स पुराने पीरियड की इंफॉर्मेशन करंट पीरियड का इंटीग्रल है और पुराने पीरियड की इंफॉर्मेशन को रीड किया जा सकता है स्टडी किया जा सकता है ओनली इन अ रिलेशन टू करंट पीरियड देन सच अमाउंट एंड डिस्कलोजर्स विल बी कंसीडर्ड एज क्लासिफाइड एज कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर हाउ एवर इफ अमाउंट एंड डिस्कलोजर्स फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड पर्पस ऑफ कंपेरिजन विदाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करेंट पीरियड एंड इफ ऑडिटेडियल स्टेट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है किस बेसिस पर बनाई जाती है आज की डेट में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के बेसिस पर इसका Important part that is audit procedure. Auditor is required to determine whether the financial statements include comparative information required by FRF and if comparative information is included in the financial statement, whether that information is classified appropriately. क्या ये इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड है या नहीं है नंबर दो इवेलुएट क्या कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन एग्री करती है विद द अमाउंट एंड अदर डिस्कलोजर प्रेजेंटेड इन प्रायर पीरियड तो जो कंपेरेटिव है करंट ईयर में कंपेरेटिव है वो पास्ट ईयर में करंट था तो कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन मींस यदि मैं मान लेते हैं हम हम फाइनेंशियल ईयर 24 25 की ऑडिट कर रहे हैं तो इसका कंपेरिटिव हो गया फाइनेंशियल ईयर 23 24 तो जो कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन है 23 24 वो जो प्रायर पीरियड है प्रायर पीरियड ही 23 24 है दोनों आपस में मैच करनी चाहिए तो क्या कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्री करती है विद द अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेड इन प्रायर पीरियड एंड वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दे आर कंसिस्टेंट विद दोज अप्लाइड इन द करंट पीरियड तो जो कंपैरेटिव में मींस तेईस चौबीस में जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज के बेसिस पर कंपैरेटिव अमाउंट एंड डिस्कलोजर दिए गए थे क्या वो कंसिस्टेंट है विद दो इन द करंट पीरियड और यदि अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी भी तरह का चेंज है वेदर दैट चेंज आर प्रोपरली अकाउंटेड फॉर एंड एडिक्यूटली प्रेजेंटेड एंड डिस्कलोज ऑडिटर सबसे पहला उसका काम क्या है टू डिटरमिन कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ इनक्लुडेड है वेदर सच इंफॉर्मेशन इज क्लासिफाइड एप्रोप्रियेटली इफ यस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट वेदर द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्री विद द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड इन द

तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द द एडिशनल प्रोसीजर्स टू टू ऑडिट ऑडिट एविडेंस डिटरमिन ऑफ और यदि की आपने ही कर रखी थी तो आपके ऊपर थीड्रेड 560 भी अप्लाई हो जाता है जिसकी अकॉर्डिंग यदि आपको लगता है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रोप्रिएटली अमेंड करिए मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट आप तो नहीं कर सकते मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रायर पीरियड को अमेंड करने की और उसके बेसिस पर न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करने की यदि आपको करंट पीरियड की ऑडिट करते वक्त कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन में कोई भी मिस स्टेटमेंट मिलती है जो इस साल का कंपेरिटिव है वो पिछले साल प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी जिस पर ओपिनियन आपने ही दे रखी है फोर्थ मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए टू रीअर्म कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने प्रीवियस पीरियड के लिए दी थी फॉर द प्रायर पीरियड दी थीट सो ऑप्टेनिटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट टू रीअर्म दिटर्न रिप्रेजेंटेशन इट प्रीवियसली मेड विद रिस्पेक्ट टू द प्रायर पीरियड रिमेन्स अप्रोप्रिएट तो ये चार प्रोसीजरल पार्ट है हमारे एज ए ऑडिटर वी नीड टू डिटरमिन वेदर द करंट पीरियड फिनेशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन एज पर एफ आर एफ इफ इट रिक्वायर्स रिक्वायर्सिव इंफॉर्मेशन इफ इट इंक्लूड कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन वेदर इट इज एप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड डिटरमिन कर लिया अब इवेलुएट करिए वेदर कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन एग्री विद द अमाउंट एंड डिस्कलोजर ऑफ द प्रायर पीरियड

that written representation previously made with respect to the prior period remains appropriate next audit reporting corresponding figure क्या corresponding figures की opinion देते वक्त, क्या करंट पीरियड की ओपिनियन देते वक्त कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स को सेपरेटली रेफर किया जाता है जिसका जवाब है नहीं यही ऑडिट अप्रोच का सबसे बड़ा डिफरेंस है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन शेल नॉट रेफर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर हाउ एवर दो केस है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड कंटेन्स मोडिफाइड ओपिनियन विच इज स्टिल अनरिज़ोल्ड तो आप डिंग फिगर्स के रेफरेंस में करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मोडिफिकेशन डाल दीजिए इफ ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन एंड ही हैज एविडेंस दैट मटेरियल एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड लेकिन एड्रेस नहीं किया गया था प्रायर पीरियड में तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को हाईलाइट करते हुए करंट पीरियड की ओपिनियन मॉडिफाई कर दीजिए सो so, दो सिचुएशन यदि 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में कोई ओपिनियन थी और वो ओपिनियन अभी भी अनरिजोल्ड है तो आप क्या करिए 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दीजिए With respect to corresponding figures. तो पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन थीस्पॉ फिगर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का रेफरेंस आएगा दूसरा केस 2024-25 में आपको कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड हुई किसकी 2023-24 की जो लास्ट ईयर हाईलाइट नहीं हुई थी विच वॉज नॉट एड्रेस्ड अर्लियर तो ठीक है ना मैं कॉरेस्पोडिंग फिगर्स को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा मुझे बट यदि प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं थी तो ऑडिटर शुड ऑप्टेन सफिशियंट ऑडिट एविडेंस की ओपनिंग बैलेंस में किसी तरह की मिस स्टेटमेंट नहीं ये तो बात हुई कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स पर कंपेरेटिव पर कंपेरेटिव के अंदर तो प्रायर पीरियड को भी रेफर किया जाएगा जैसे लिखा जाएगा वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड विच कंप्राइजेज द बैलेंस शीट एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार पच्चीस एंड एट थर्टी मार्च दो दोनों सालों को लिखा जाएगा दोनों डेट को लिखा जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द दीरियड पीरियड एंडेड 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2025 दोनों सालों को रेफर किया जाएगा ऑडिट ओपिनियन टू रेफर टू ईच पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर इफ ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड एक्सप्रेस्ड इन करंट पीरियड डिफर्स फ्रॉम ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन रेलिवेंट प्रायर पीरियड मीन्स समझिए इस बात को फिनेंशियल ईयर चौबीस पच्चीस कंपेरेटिव तेईस चौबीस फाइनेंशियल ईयर तेईस चौबीस कंपेरेटिव बाईस तेईस यहां पर तेईस चौबीस पर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन थी बाईस तेईस की भी मोडिफाइड ओपिनियन थी चौबीस पच्चीस में दे रहे हो आप एक अनिफाइड ओपिनियन और तेईस चौबीस के लिए भी आप दे रहे हो ओपिनियन क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही लास्ट ईयर आपने तेईस चौबीस पर मोडिफाइड ओपिनियन दी थी और इस साल तेईस चौबीस पर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो देन सब्सटेट रीजन नीड्स टू बी गिवन गिव सबस्टांटिव रीजन फॉर द डिफरेंस साल का कंपेरिटिव और प्रायर पीरियड चौबीस पच्चीस का कंपेरिटिव तेईस चौबीस और प्रायर पीरियड तेईस चौबीस जो सेम होने चाहिए थे बट उनकी ओपिनियन में डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों है अदर मैटर पैरा में डालिए ियल मिस स्टेटमेंट है में कि 23 इस पर दे दी गई पिछले ऑडिटर ने बट इसमें कोई मिस स्टेटमेंट है यदि लास्ट ईयर की ऑडिट मैंने ही कर रखी होती तो मैं 560 सौ अप्लाई करके अपना काम करता बट लास्ट ईयर की ऑडिट तो किसी और ने कर रखी है तो आप मैनेजमेंट को कहिए कि पिछले साल के ऑडिटर को बताते कि उसने एक अनमोडिफाइड ओपिनियन दी थी पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में लेकिन मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है कॉमन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चाहे आपकी ऑडिट कॉरस्पोंडिंग फिगर्स की है ऑडिट कंपेरिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है तो प्रायर पीरियड यदि किसी और ने ऑडिट किया है तो आप अपनी रिपोर्ट में एक अदर मैटर पैरा डालिए जिसमें आप लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर और उसने क्या ओपिनियन दी है और उसकी ऑडिट रिपोर्ट की क्या डेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ़ प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय ऑडिटर और उसने क्या ओपिनियन दी है और उसकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या थी लेकिन यदि प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है तो आप अदर मैटर पैरा डालिए और लिखिए

दिस इज अबाउट द एस ए सेवन हंड्रेड टेन ऑन द कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन विच कंप्राइजेस द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेन पार्ट जो इस स्टैंडर्ड का है वो है इसका ऑडिट प्रोसीजर्स का पार्ट बट रिपोर्टिंग भी पूछी जा सकती है और इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की नॉट ऑफ दी दिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स तो इसके साथ हमारा 700 सीरीज के जो पांच स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में थे वो हो गए कंप्लीट उनको सबको रिवाइज कर लिया नेक्स्ट अब इस चैप्टर में दो टॉपिक और हैं एक ब्रांच ऑडिट का और एक ज्वाइंट ऑडिट का ब्रांच ऑडिट के साथ हम एस ए सिक्स हंड्रेड कवर करते हैं ज्वाइंट ऑडिट के साथ हम एस ए टू नाइनटी नाइन कवर करते हैं तो पहले हम बात करते हैं ब्रांच ऑडिट की ब्रांच ऑडिट के रेफरेंस में हमें सेक्शन 128 जो बताता है

सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 128 की एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस द बुक्स ऑफ अकाउंट अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर विच अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग

ब्रांच की ट्रांसेक्शन के रिकॉर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस पर और एट एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एट द ब्रांच ऑफिस मेंटेन कर सकती है तो कितनी जगह हो गई तीन नंबर एक रजिस्टर्ड ऑफिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एट द ब्रांच ऑफिस और यदि रिकॉर्ड ब्रांच पर में रिक्वायरमेंट और वो रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी को अपनी ट्रांसेक्शन की एक समेराइज रिटर्न पीरियोडिक बेसिस पर इधर रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर मेन अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं और एट एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां पर मेन अकाउंट्स मेंटेन्ड हो रहे हैं वहां पर समराइज रिटर्न भेजनी होगी नंबर दो पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ब्रांच ऑडिटर इधर कंपनी ऑडिटर और अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी और यदि ब्रांच आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो आप कंपनी ऑडिटर से करा सकते हैं एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट से करा सकते हैं एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस इन अकॉर्डिंगेंस विद लॉ ऑफ दैट कंट्री किसी से भी करा सकते हैं सो so, यदि ब्रांच लोकल ब्रांच है इंडिया में है तो आप अपने कंपनी ऑडिटर से और एनी अदर अकाउंटेंट क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी उससे करा सकते हैं बट यदि ब्रांच एक फॉरेन ब्रांच है तो आप कंपनी ऑडिटर से भी करा सकते हैं एनी अदर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से करा सकते हैं और एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर द लॉ ऑफ द द कंट्री सिचुएटेड उससे भी करा सकते हैं। ब्रांच ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है ब्रांच के अकाउंट को एग्जामिन करने के बाद उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाए और इस रिपोर्ट को कंपनी ऑडिटर को भेज दे एंड कंपनी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डील विद द रिपोर्ट ऑफ द ब्रांच ऑडिटर इन द मैनर एज ही कंसीडर नेसेसरी रूल नंबर ट्वेल्व क्या कहता है ब्रांच ऑडिटर शेल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कंपनी ऑडिटर को एंड

हमारे सिलेबस में एस ए सिक्स हंड्रेड के कुछ प्रोविजन है तो एस ए सिक्स हंड्रेड अप्लाई होता है इन अ सिचुएशन वेयर एन ऑडिटर जिसको हम प्रिंसिपल ऑडिटर कहते हैं रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी यूज इज द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी तो एक्स लिमिटेड एक एंटिटी है इसके कुछ कंपोनेंट है एक सेकेंड एक्स लिमिटेड एंटिटी है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसकी ऑडिट प्रिंसिपल ऑडिटर कर रहा है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्स लिमिटेड की कंपोनेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड है इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट अदर ऑडिटर कर रहा है अदर ऑडिटर ने जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई उस ऑडिट रिपोर्ट का यूज कौन कर रहा है प्रिंसिपल ऑडिटर सो अप्लाई व्हेन द प्रिंसिपल ऑडिटर इन रिलेशन टू दाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंपोनेट विच इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी ऑन विच द प्रिंसिपल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिस ओपिनियन प्रिंसिपल ऑडिटर के क्या अधिकार है? इन सर्टेन सिचुएशन स्टेट्यूट गवर्निंग एंटिटी फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ इट मे कन्फर राइट ऑन द प्रिंसिपल ऑडिटर टू विजिट द कंपोनेंट एंड टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड ऑफ द कंपोनेंट यदि उसको ये जरूरी लगता है तो सो so, ये ध्यान रखिएगा लॉ में गिव राइट टू द

यदि आपको ये असेंशियल लगता है जरूरी लगता है आई नीड टू विजिट द कंपोनेंट और टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एट द कंपोनेंट ही कैन विजिट एंड एग्जाम सो दो चीजें हो गई कि यदि कंपोनेंट के रिकॉर्ड ब्रांच के रिकॉर्ड कंपनी ने हेड ऑफिस पर मेंटेन कर लिए तो कंपनी ऑडिटर चेक कर रहा है बट उसको लगता है मुझे ब्रांच विजिट करनी है ही मे विजिट द ब्रांच However, if the branch record is being maintained by the branch itself and to carry out the audit of the branch record, a local chartered accountant is being appointed by the company, then उट एंड ऑफ दियन दैट इट इज असेंशियल टू विजिट द कंपोनेट एंड टू एग्जामिनटेन एट द कंपोनेट हीज द राइट टू विजिट द कंपोनेट एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड में कंपोनेंट उसका अधिकार है तो बेसिकली क्या अधिकार है

प्रिंसिपल ऑडिटर शुड परफॉर्म द प्रोसीजर टू ऑबेन सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दर्क ऑफ अदर ऑडिटर इज एडिकुएट फॉर प्रिंसिपल ऑडिटर परपज इन दंटेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगेजमेंट तो क्या प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर के काम पर रिलाई कर सकता है तो इसीलिए उसको अदर ऑडिटर के वर्क की एडिक्वेसी को चेक करने के लिए सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने की आवश्यकता है इसके लिए वो क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा नंबर वन इनफॉर्म अदर ऑडिटर मैटर्स दैट रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांसेक्शन टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ये इंफॉर्मेशन देगा अदर ऑडिटर को और कहेगा इनका कंप्लायंस करिएगा एडवाइस अदर ऑडिटर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कि ये इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट के रेफरेंस में अकाउंटिंग ऑडिटिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है कंप्लायंस कर लेना और इनसे एक रिप्रेजेंटेशन भी ले ले आपने कंप्लायंस किया है एंड ऑप्टेन रिप्रेजेंटेशन एज टू कंप्लाइंस रिव्यू रिटर्न समरी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग्स जो अदर ऑडिटर्स की समरीज हैं प्रोसीजर्स हैं उनको फाइंडिंग्स हैं उनको रिव्यू कर लेगा कैसे अपना एक क्वेश्चन बनाकर दे देगा अपनी एक चेकलिस्ट बनाकर दे देगा क्वेश्चन ईयर में लिखेगा आपने ये काम किया आपने ये काम किया आपने इस काम के लिए कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया तो एक क्वेश्चन ईयर दे देगा चेक लिस्ट क्या आपने ये काम किया आपने यह काम किया आपने ये काम किया येस और नो में लिखकर भेजो चेकलिस्ट बना दे प्रिंसिपल ऑडिटर में आल्सो विश टू विजिट द अदर ऑडिटर और कंपोनेंट सो प्रिंसिपल ऑडिटर हमें कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं कब करने हैं किस एक्सटेंट तक करने हैं इट ऑल डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसिस ऑफ एंगेजमेंट। ये सब एंगेजमेंट के सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है एंड प्रिंसिपल ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑफ द अदर ऑडिटर उ मच कंपिटेंट अदर ऑडिटर इज उस पर डिपेंड करता है मेरे प्रोसीजर कितने एक्सटेंसिव होंगे इफ द कंपोनेंट ऑडिटर इज हाईली कंपिटेंट पर्सन देन मेरे प्रोसीजर्स कंपेरेटिवली लेस एक्सटेंसिव होंगे एज कंपेयर टू द सिचुएशन वेन द कंपोनेंट ऑडिटर इज नॉट सो मच कंपिटेंट हांजी बताइए ब्रांच ऑडिट के टॉपिक में कोई डाउट जी जल्दी से जवाब दीजिए ऑल क्लियर और एनी डाउट नो डाउट बहुत आसान था ऑल क्लियर चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक ज्वाइंट ऑडिट का है यह भी इतना ही आसान है जितना ब्रांच ऑडिट का टॉपिक था सो ज्वाइंट ऑडिट क्या है इट इज एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी बाय टू और मोर ऑडिटर अपॉइंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट और ऑडिटर सो आर नोन एज ज्वाइंट ज्वाइंट ऑडिटर्स ज्वाइंट ऑडिट करते हैं तो ज्वाइंट ऑडिट के क्या क्या फायदे हैं वट आर द देनिफिट शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन लोअर वर्कलोड बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूव सर्विसेज टू क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज दर्क कैन बी स्प्रेड यूजिंग एक्सपर्टीज ऑफ लोकल फर्म आर इन बेटर पोजिशन टू डील एन लोकल लॉ एंड रेगुलेशन लो स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट लो कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क सेंस ऑफ हेल्थी कॉम्पिटिशन प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक लर्न करना पड़ेगा आपको डिसडवांटेजेस फीस बढ़ जाएगी आपके और मेरे बीच में

अनसर्टेनिटी अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ वर्क डन सो ये हमारा टॉपिक था एज टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेजेस ऑफ ज्वाइंट ऑडिट नौ ज्वाइंट ऑडिट के रेफरेंस में हमारे पास ऐसे टू नाइंटी नाइन है जो टू हंड्रेड सीरीज का लास्ट स्टैंडर्ड होता है और तीन मेन बातें हैं जो इसमें हमें कवर अप करनी है एस ए टू नाइनटी नाइन के रेफरेंस में ऑडिट प्लानिंग एंड एलोकेशन ज्वाइंट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिपोर्टिंग कंसीडरेशन डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान इन डेवलपिंग द ज्वाइंट ऑडिट प्लान ज्वाइंट ऑडिटर शेल Identify division of audit area and common audit area. Ascertain reporting objectives. Consider and communicate the various factors that are significant in directing the engagement team efforts. रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सिस एंड प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर में ऑडिट स्ट्रेटी के टॉपिक के अंदर भी हमने इन चीजों को डिस्कस किया था ऐसे तीन सौ के अंदर एलोकेशन ऑफ वर्क

ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर्स जो ज्वाइंट वर्क जो ऑडिट वर्क डिवाइड हुआ है अमंग द ज्वाइंट ऑडिटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग द ज्वाइंट ऑडिटर्स ईच ज्वाइंट ऑडिटर शेल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू हिम इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आप जिम्मेदार हैं फोर द वर्क एलोकेटेड टू हिम जो काम आपको एलोकेट हुआ है और उसके ऑडिट प्रोसीजर्स की एग्जीक्यूशन के लिए हाउ एवर ज्वाइंट ऑडिटर्स ज्वाइंटली एंड स्वीयरली रिस्पॉन्सिबल है कॉमन वर्क के लिए ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड डिसीजन टेकन बाय ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरिया मैटर मेरी नॉलेज में आया और इमिडिएटली मैंने आपको भी इंफॉर्म कर दिया कि ये ये चीजें हैं तो जब मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया हमने डिस्कशन कर ली तो जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है जिम्मेदारी हम दोनों की है to ensure that financial statement comply with the relevant statutes to examine the presentation and disclosure of financial statement that is in conformity with the applicable frf and ensuring that audit report comply with the requirements of statutes standards on auditing and other pronouncements so ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर्स का और लास्ट टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग कंसिडरेशन जो ज्वाइंट ऑडिटर हैं उन्हें अपने काम को ज्वाइंटली परफॉर्म किया है कुछ चीजें अलग अलग की हैं बट जो ओपिनियन बनाए कोशिश करें कॉमन ओपिनियन पर आए और एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशूड हो ज्वाइंट ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू इशू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट हाउ एवर केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट एज टू द ओपिनियन और एनी मैटर्स टू बी कवर्ड बाय द ऑडिट रिपोर्ट डिसएग्रीमेंट के केस में क्या करें सेपरेट ओपिनियन और जब आप सेपरेट ओपिनियन दे रहे हैं मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं तो हमें एक दूसरे की रिपोर्ट को रेफर करना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि अदर ऑडिटर सेपरेट ओपिनियन और वो कहा लिखेंगे हम अदर मैटर पैरा में इन केस ऑफ सेपरेट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाई ज्वाइंट ऑडिटर शेल मेक रेफरेंस टू द सेपरेट रिपोर्ट इशूड बाय अदर ज्वाइंट ऑडिटर और वो कहां आता है इन ओ एम्पेरा एस पर एस ए सेवन हंड्रेड सिक्स जो आज ही कवरअप किया है तो ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर टू भी हमने कर लिया रिवाइज तो इस सेशन में आज इतना ही कवर करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा नेक्स्ट टॉपिक की रिवीजन हम कल करेंगे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 ठीक है तो अब मुलाकात करेंगे कल आज के लिए इतना ही और कल क्या आप अर्ली मॉर्निंग में क्लास अटेंड कर पाएंगे यदि मैं क्लास के टाइमिंग्स नाइन ओ क्लॉक कर दूं विल कंफर्टेबल फॉर यू नाइन ओ क्लॉक दूसरी क्लास होती है कोई इशू नहीं है यस यस नो नो फिफ्टी परसेंट यस है लगभग और फिफ्टी परसेंट ही ना है hmm, 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 hmm. क्या करें कल मुझे हो सकता है इलेवन थर्टी कहीं जाना है शायद पक्का नहीं है तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्लास को नाइन टू इलेवन थर्टी कर लें कर लीजिए सर चलो तो बस ठीक है तो कल की हमारी क्लास नाइन ओ क्लॉक होगी और बस कल इसकी रिविजन को खत्म कर देंगे जो स्टूडेंट्स लाइव अटेंड नहीं कर पाते रिवीजन है वैसे ही यूट्यूब पर डालनी है हमने ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल मुलाकात करेंगे नाइन ओ क्लॉक पर थैंक यू वेरी मच Goodbye.